वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो इसका क्वेश्चन नंबर वन है, यू कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट टू। तो जो फॉर्मूला वाला पैलेट है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल कर सकते हैं, क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, एंटर अजम्पशन डेटा, कॉपी अ रेंज ऑफ सेल्स। तो हम जो फॉर्मूला वाला पैलेट है उसे यूज करके हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। तो हम क्रिएट करते हैं फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला पैलेट से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन अ रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल। तो प्रीवियस सेल के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे है प्रेस द ऑल्ट की, प्रेस टैब, प्रेस एंटर। तो एंटर से जो है वो नेक्स्ट में जाता है, प्रीवियस में जाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल जी। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दीज। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थ्री है, टैब स्क्रोल बटन आर प्लेस ऑन एक्सेल स्क्रीन। तो ये कह रहा है कि टैब स्क्रोल जो होते हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं एक्सेल में। तो वो हमारे होते हैं लेफ्ट साइड में, बॉटम में। तो जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे हमारे टैब्स दिख रहे होते हैं, वहाँ से हम टैब्स चेंज कर सकते हैं। तो एक्सेल में जनरली तीन टैब खुलते हैं पहले ही, तो उन टैब्स में हम शफल कर सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से। तो हमारा जो होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, तो इसका आंसर आएगा हमारा टुवर्ड्स बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नेम बॉक्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार के जो लेफ्ट में जो बॉक्स है वो क्या करता है शो हमें, तो शो द नेम ऑफ वर्क बुक करेंटली वर्किंग ऑन, शो द नेम ऑफ वर्कशीट करेंटली वर्किंग ऑन, शो द नेम ऑफ सेल रेंज करेंटली वर्किंग ऑन। तो जो वर्क बुक है या हमारी शीट है वो हमारी बॉटम कॉर्नर में होती है, ये हमें शो करेगा, शोज द नेम ऑफ सेल और रेंज करंटली वर्किंग ऑन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। तो सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम डबल क्लिक करेंगे सेल पे, क्लिक द फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार पे भी हम क्लिक करके उसे देख सकते हैं कि क्या लिखा है, उसे एडिट भी कर सकते हैं फॉर्मूला बार से। उसके बाद में है प्रेस द F2 की, तो F2 की से भी हम डायरेक्टली एडिट मोड में जा सकते हैं। उसके बाद में प्रेस द ऑल्ट की, तो ऑल्ट की से जो है वो फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये वाली ऑप्शन जो हमारी है वो गलत है, हमारा आंसर आएगा प्रेस द ऑल्ट की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स इन एक्सेल इन मेल मर्ज ऑपरेशन वर्ड इज यूजली। तो हम जो है एक्सेल को एज अ डेटाबेस भी यूज करते हैं कई बार, तो इसमें जो मेल मर्ज में है जो वर्ड है वो क्या होता है हमारा, तो सर्वर जो है वो नहीं हो सकता, सोर्स जो है वो वर्ड नहीं हो सकता, जो क्लाइंट है यस ये क्लाइंट होता है क्योंकि हमारा डेटा शो करता है, वर्ड जो है वो शो करता है, तो हमारी ऑप्शन आएगी क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है, कंपोनेंट है जिसे हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो पहला है फॉर्मूला बार, देन स्टेटस बार, देन टूल बार, फिर है नन ऑफ द अबव। तो कौन सी ऑप्शन को हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते, तो व्यू वाली बार में से हम उसे टिक नहीं कर सकते। तो हम फॉर्मूला बार को भी कर सकते हैं, स्टेटस बार को भी कर सकते हैं, टूल बार को भी कर सकते हैं, तो ये आएगा हमारा नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर एट थे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। तो हमारे पास एक पेस्ट होता है, एक पेस्ट स्पेशल होता है, जिसमें से हम अगर फॉर्मूला कॉपी करना हो तो वो भी कर सकते हैं, अगर हमें डेटा कॉपी करना है तो वो भी कर सकते हैं, तो जैसे भी हम स्टाइल कॉपी करना है वो भी कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ है जो वो नहीं होती, तो पहला है SQRT डिवाइड सबट्रैक्ट ऐड। तो इसमें से हम ऐड सबट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं, SQRT वाली ऑप्शन जो है वो ऑड वन आउट है, तो ये आंसर आएगा हमारा SQRT। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, इट इज एक्सेप्टेबल टू लेट लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो इनटू एडजेसेंट सेल ऑन द वर्कशीट व्हेन डेटा विल बी एंटर्ड इन एडजेसेंट सेल, नो डेटा विल बी एंटर्ड इन एडजेसेंट सेल, देर इज नो सुटेबल एब्रीवेशन फॉर द टेक्स्ट, देर इज नॉट टाइम टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। तो कौन से टाइम पे हम जो डेटा है वो आगे वाली एडजेसेंट रोज जो उनमें भी दिखा सकते हैं अगर हमारा डेटा की लेंथ जो है वो लंबी है, तो अगर आगे वाले जो सेल्स हैं उनमें डेटा नहीं है तभी हम दिखा सकते हैं।
तो इसका आंसर आएगा व्हेन नो डेटा विल बी एंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल्स, तो जब वो खाली है उनमें डेटा एंटर नहीं है तभी जो लॉन्ग लेंथ वाला डेटा है वो आगे जो है वो दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मेक सिलेक्शन, तो सिलेक्शन करने के लिए कौन सा जो सेल पॉइंट है कर्सर जो है वो कैसा दिखना चाहिए, तो इसमें है माउस पॉइंट विद एंकर एट द टॉप, स्मॉल थिन प्लस आइकन, डॉक्टर सिंबल, प्लस साइन, बिग प्लस साइन, जैसा डॉक्टर का सिंबल होता है प्लस वाला, तो जैसे बिग प्लस आता है ये वाला तो ये होता है हमारा सिलेक्शन वाला, तो इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डॉक्टर सिंबल या बिग प्लस साइन। तो ये है हमारे कुछ बेसिक जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड के हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी जो चीज़ें हैं वो लेके आएंगे और भी जो एम सी क्यूज़ हैं वो करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।